बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं आरिफ सिद्दीकी। तो चलिए बढ़ते हैं महोबा से एक खबर की ओर। मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सतारी पुलिया के पास का है, जहां अवैध खनन परिवहन की सूचना मिलने पर खान निरीक्षक ईश्वर चंद के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर को पकड़कर खड़ा करा लिया। खान निरीक्षक की इस कार्यवाही से बौखलाए अवैध खनन माफिया महेंद्र पाठक ने अपने आधा दर्जन से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर मौके से ट्रैक्टर को छुड़ा ले गया। अचानक हुए हमले से खनन टीम में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद खान निरीक्षक ईश्वर चंद की तहरीर पर कुलपहाड़ कोतवाली में खनन माफिया महेंद्र पाठक व अन्य के खिलाफ धारा 147, 323, 504, 506, 353, 332, 4 व धारा 31 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होते ही हरकत में आई पुलिस ने मुख्य आरोपी महेंद्र पाठक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। महोबा से वहीद अहमद की रिपोर्ट। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग टीमें बनाकर रात्रि भ्रमण करते हुए हमारी टीम एनफोर्समेंट का काम कर रही है। उसी कार्यवाही के दौरान एक टीम हमारी जो कुलपहाड़ तहसील में गोची नाला क्षेत्र है, जहाँ से बालू के खनन की बात आती है, वहाँ पे इन्फोर्समेंट के लिए रात में करीब 12 बजे पहुँची थी। वहाँ कुछ अराजक तत्वों द्वारा जो है वो खनन का कार्य किया जा रहा था। जब उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा जो अराजक तत्व थे और भी लोगों को बुलाकर उन्हें घेर कर धक्का मुक्की की गई और डराने धमकाने की कार्रवाई की गई। उसमें जानकारी जो भी हुई तत्काल रूप से इसमें FIR संबंधित लोगों के खिलाफ दर्ज कराते हुए उनको अरेस्टिंग करवा ली गई है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई सभी लोगों के विरुद्ध करते हुए इस तरह के जितने भी खनन माफिया हमारे तत्व यहाँ पर उपस्थित हैं सब लोगों के विरुद्ध एक क्लियर मैसेज जाना है कि इस तरह की कोई भी घटना कहीं पर नहीं हो सकती। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें।